ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 7C हिमाचल आजकल की इस खास बातचीत में। और इस खास मुलाकात में हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह, जो 7 बार जीत चुके हैं। जनता का इन्हें 7 बार साथ मिला है, आशीर्वाद मिला है। आइए करते हैं उनसे बातचीत का सफर जारी। ठाकुर साहब, 7 बार लगातार जनता का आशीर्वाद, द्रंग विधानसभा से आप लगातार जीतते आए हैं, तो किस तरह ये जीत का सिलसिला बरकरार रहा? जनता का इतना साथ आपको मिला है, तो अभी भी आप कह रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंट है कि जनता का साथ आपके साथ है, तो किस तरह का ये रहा आपका पूरा राजनीतिक सफर? ऐसा है, ये जो चुनाव क्षेत्र है, पहले जोगिंद्रनगर चुनाव क्षेत्र कहलाता था, 77 डिलिमिटेशन के बाद ये द्रंग चुनाव क्षेत्र बना जी। और इसका इतिहास ऐसा रहा कि जो 52 से लेकर के 77 तक जी, 25 साल में लोगों ने 5 MLA अलग अलग देखे, किसी को दोबारा मौका नहीं मिला जी। और जब मैं 77 में विधायक चुना गया जी, तो मैंने पूरे गांव का पद यात्रा की, विकास कोई नहीं था, कहीं लाइट नहीं थी, कहीं पीने का पानी नहीं था, कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं स्कूल नहीं थे, तो मैंने गांव गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुना, उन समस्याओं को नोट किया, विधानसभा में मामले उठाए, सरकार से मामले उठाए, और उन समस्याओं का मैंने समाधान करने की कोशिश की। पूरे चुनाव क्षेत्र में बिजली का जाल बिछाया, पूरे चुनाव क्षेत्र में पानी की नई नई स्कीमें बनाई, पूरे चुनाव क्षेत्र में हर गाँव में स्कूल, प्राइमरी स्कूल खोले, स्कूलों के दर्जे बढ़ाए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोले, वेटरनरी हॉस्पिटल खोले, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले, और लोगों को अपने परिवार की तरह मानने की मैंने कोशिश की। और हर गांव में हर व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, बाई नेम उनको पुकारता हूँ, तो लोगों ने महसूस किया कि पहली बार हमें कोई जानने वाला अपना आदमी हमें मिल चुका है, तो इसलिए लोगों ने बार बार मुझे जिताया है। एक बार 1990 में परिवर्तन किया द्रंग की जनता ने, कि किसी और को भी देखते हैं वो क्या करते हैं, तो श्री दीनानाथ शास्त्री को मौका दिया। जब हमारे कांग्रेस के 8 ही विधायक रह चुके थे, वीरभद्र सिंह ने 2 चुनाव क्षेत्रों से इलेक्शन लड़ा जी, उसमें जुब्बल कोटखाई से रामलाल जी से हार गए थे जी, तो इसलिए उस वक्त हम भी हारे, मैं भी थोड़े वोटों से हारा लेकिन हारे। लेकिन 1993 में जब दोबारा चुनाव हुए तो द्रंग की जनता ने अपनी गलती को स्वीकारा और उन्होंने दोबारा फिर मुझे हिमाचल विधानसभा का द्रंग से विधायक बनाया जी, और लगातार अब तक बनाते रहे हैं जी। और मुझे अब भी पूरा विश्वास है, जो दोनों लोगों का स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि अब अगली बार भी लोग हिमाचल की जनता जो है और द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता मुझे हिमाचल विधानसभा में भेजेगी। और निश्चित तौर पर वो भी जानते हैं कि आज वरिष्ठतम विधायक मैं हिमाचल विधानसभा का हूँ, तो उनको पता है लोगों को कोई ना कोई जिम्मेवारी सोनिया गांधी जरूर देगी जी। लगातार आप जीतते आए और आपको जनता का साथ मिलता रहा, जनता पार्टी से आप कांग्रेस में आए थे और अब आप कांग्रेस में लगातार कार्यरत हैं और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इस दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और अभी आने वाले समय में भी जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, तो आप किन चुनौतियों का सामना लगातार करते आ रहे हैं और क्या लगता है आगे भी करते आएंगे और किस तरह उनसे निपटने की सोचते हैं आप? पीछे भले ही पीछे भी महंगाई थी, हमारी जब सरकार थी जी 2007 तक, उसमें हमने ये कार्यक्रम शुरू किया क्या कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जी, एक राशन कार्ड पे लोगों को 30 किलो आटा, 25 किलो चावल, 3 किस्म की दालें बाजार से आधे रेट पे, 2 किस्म का तेल आधे रेट पे देने का फैसला किया था जी, और बड़ा अच्छा कामयाब हुआ जी। अब लेकिन हम विपक्ष में बैठे, धूमल साहब ने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया। फिर बाद में जब लोकसभा के बाई इलेक्शन आए तो उस कार्यक्रम को दोबारा शुरू किया, लेकिन आज हालत ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से डिपो में लोगों को आटा भी उन्होंने घटा दिया, 12 किलो कर दिया 30 से, चावल सिर्फ 7 किलो कर दिया, कभी 5 देते हैं कभी 7 किलो में देते हैं, दालें उन्होंने घटा दी, तेल जो है घटा दिया, तो इस किस्म से लोग परेशान हैं। और महंगाई बढ़ी है लेकिन इस सरकार ने महंगाई को रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया है, क्योंकि महंगाई रोकना जो है प्रदेश सरकार का भी कर्तव्य बनता है, तो इस तरीके से लोग जो है इस सरकार से दुखी है। और इन्होंने जनविरोधी फैसले लिए हैं, बसों का किराया 45% बढ़ा दिया, पीने के पानी के नल के मुफ्त दिए थे वो निजी नल बना करके उस पर टैक्स लगा दिया, बिजली का किराया हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिया, और इस तरीके से जो है लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार ने हमें दुख ही दुख दिया है,
कोई हमें सहूलियत नहीं दी है, कोई हमारी तकलीफों को दूर करने का प्रयास नहीं किया। ठाकुर साहब, आपका कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ी है और प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर बात की जाए आपकी सरकार की और इस वक्त केंद्र में यूपीए सरकार की, तो केंद्र में यूपीए सरकार की जो नीतियां हैं लगातार जो महंगाई जिसमें बढ़ रही है, और अगर बात की जाए जनता की राय ली जाए तो जनता का कहना है कि लगातार बढ़ते एलपीजी के दाम, उससे बहुत त्रस्त है भारत की जनता। और एलपीजी एक बुनियादी आवश्यकता है, एक हर घर की आवश्यकता है, एक आम आदमी से लेकर हर क्लास के घर की एक आवश्यकता है एलपीजी गैस। और ऐसे में निरंतर बढ़ते आ रहे एलपीजी के दाम, डीजल के बड़े दाम, ऐसे से क्या लगता है आपको, ऐसे में जनता क्या आपका साथ देगी? ऐसा ये बात ठीक है, और हिमाचल में तो ये बहुत जरूरी है कि हर घर में एलपीजी गैस होनी चाहिए ताकि हम जंगलों को काटने से बचा सकें। जी, जब लकड़ी जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं तो जंगल कटते हैं। जी, तो जैसे हमारी दिल्ली की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने हिंदुस्तान में किया है जी, कि 12 सिलेंडर जो है हम जो है उसी रेट पे देंगे, उसके बाद जो है ज़्यादा रेट लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम भी 12 सिलेंडर तक जो है सब्सिडी देंगे, अनुदान देंगे जी, और 12 के बाद जितने ज़्यादा सिलेंडर होंगे वो जो ज़्यादा रेट निर्धारित किया उसके आधार पे लोगों को देंगे। तो निश्चित तौर पे गरीब आदमी जो है 6-7-8 सिलेंडर ही साल में इस्तेमाल करता है तो उनको फायदा इसका जरूर पहुंचेगा। जी, अगर आपके कार्यकाल की बात की जाए, अभी आप आईपीएच मंत्री रहे, लेकिन जब आप आईपीएच मंत्री थे तो उस दौरान कुछ मुद्दे उठकर सामने आए थे। ग्रीस खरीद का मुद्दा आया था उठ के, एक द्राबड़ा सड़क का मुद्दा उठ के आया था कि 3 गुना अधिक दाम हुआ था उस सड़क का। तो ऐसे मामलों के समय जो जनता है वो ये जानना चाहती है कि ये खुलकर ये मामला असल में क्या था। ऐसा है जी, ठीक है, द्राबड़ा सड़क बनाई हमने क्योंकि गुम्मा से हम पानी लाते हैं, सड़क को चौड़ी करना था, सड़क को पक्की करना था जी। उसमें टेंडर हुए, क्या हुआ, लेकिन जब मेरे ध्यान में बात आई जी तो मैंने एक्शन लिया जी। वो एक्शन एसटीओ जेई को उनको सस्पेंड किया जी, जो 11-12 महीने तक सस्पेंड रहे जी। उसके मैंने विजिलेंस को उनका केस भेजा जी। फिर दूसरा उसी एक्शन का दूसरा केस आया कि ग्रीस जो है ज़्यादा महंगे रेट पे और दूसरा मटेरियल महंगे रेट पे खरीदा है, उसमें भी वो सस्पेंड हुआ जी। चार्जशीट हुआ जी, दो मामले में अलग अलग चार्जशीट हुआ जी, और दो अलग अलग केस उन पे बने उस एक्शन पर, एसटीओ पर जिन्हें गुताई की थी, उसमें मैंने ही उन पे कार्रवाई की और मैंने फाइल में लिखा है, आज फाइल इस बात की साक्षी है कि दिस एक्शन शुड नॉट बी पोस्टेड ऑन ए सेंसिटिव एंड की पोस्ट जी, और मैंने हटा करके उसको दफ्तर में बिठा दिया। जैसे ही सरकार आई, इस सरकार ने उस एक्शन को जी कहा कि आप एफिडेविट दे दो ठाकुर कौल सिंह के खिलाफ जी, कि ये इन्होंने ये काम करवाया है जी, तो हम आपको जो है की पोस्ट में लगा देंगे जी। और जो आजकल के आईपीएच मंत्री है जी, उनको जो है वहाँ इम्पोर्टेंट डिवीजन जो है उन्ना में दे दिया जी। तो ये सरकार उनको प्रोटेक्शन देते रही है जी, जिन्हें गुनाह किया है उनको प्रोटेक्शन इन्होंने दी है जी। हमने तो उन पे कार्रवाई की, विजिलेंस केस हमने किया जी, इन्होंने फिर भी ज्यादा टाइम लिया। तो इस तरीके से मैंने तो सरेआम विधानसभा में कहा था, अगर हमने कोई कार्रवाई की है, हिम्मत है तो मेरे पर केस बनाओ, मैं केस भुगतने को तैयार हूँ। और बड़ा करीब सब ने राय दी है कि मंत्री का कोई मंत्री टेंडर थोड़ी नहीं करता है जी, या मंत्री थोड़ी नहीं कुछ करता है जी। तो इसलिए ये इन्होंने बड़ा बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन अब वो मुकदमा कोर्ट में गया हुआ है। कोर्ट में मैं तो मुलजिम नहीं हूँ जी, मैंने जो केस रजिस्टर किया था मैंने ही केस बनाए थे जी, और जो केस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी जी, 5 साल में ये सरकार वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पूरी नहीं कर सकी है जी। इसका मतलब है वो उनको प्रोटेक्शन दे रही है, गुनाहगारों को प्रोटेक्शन जो है भाजपा सरकार कर रही है जी। तभी हम इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कदम कदम पे ये सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टों पे लगा रही है और ये सरकार जो है गुनाहगार है। सरकार गुनाहगार है इनका कहना है, लेकिन अगर अब बात करें इनके आगे के कार्यकाल की और साथ साथ इनके द्रंग विधानसभा क्षेत्र की, आपके साथ आपके जो ओपोनेंट थे जवाहर ठाकुर, जब आप देखें जब मतदान हुआ था उसके बाद जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ मात्र 1900 से लेकर 2000 वोटों का ही जो गैप था, इस बार क्या लगता है, इस बार भी वो आपके सामने, इस बार क्या लगता है कितने मतों से हराने का इरादा है आपका? ऐसा है, हराएंगे तो जनता जी, लेकिन निश्चित हूँ कि इस बार मेरी जीत जो है काफ़ी ज़्यादा मतों से होगी जी, क्योंकि
भाजपा की सरकार ने द्रंग कंस्टिट्यूएंसी को पूरी तरह अनदेखी की है जी। विकास के काम सारे बंद कर दिए हैं जी। जो काम हमने चलाए थे वो काम वहीं के वहीं रह गए हैं जी। तो इसलिए हिमाचल की और द्रंग कंस्टिट्यूएंसी की जनता जो है वो अब काफी समझदार हो गई है जी। और उन्होंने जवाहर जी ने जो है किसी के कोई व्यक्तिगत काम नहीं किए हैं, विकास के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं ली है, सिर्फ मजदूरों की अदला बदली की है, सरकारी मुलाजमों को बदला है, इसलिए लोग जो है उनसे जो है लोगों का मोह भंग हो गया है और निश्चित तौर पे जो है द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता मुझे भारी मतों से जिताएगी। भारी मतों से जताएगी ने द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता। और साथ साथ अगर बात की जाए कहीं उठते सवालों की और कहीं उठते हुए मुद्दों की, तो कुछ पार्टियों का कहना है कि आने वाले समय में वो रोजगार भत्ता देगी, बेरोजगारी को भगाएगी। कुछ लोगों का मुद्दा है कि वो भ्रष्टाचार को दूर करेगी। कुछ लोगों का मुद्दा है वो महंगाई से त्रस्त जनता को थोड़ी राहत देगी। आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, आप क्या करेंगे जनता के लिए? ऐसा है, सबसे पहला काम होगा जनता को पारदर्शी, ईमानदारी और जवाबदेह सरकार देने का हम प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और लोगों को सस्ता राशन जो है डिपो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और उसके साथ ही विकास के कामों को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, ये बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या है, उस समस्या के लिए भी कोई ना कोई समाधान जो है हम निकालेंगे। और हम शायद महंगाई भत्ता जो है नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों जो है उनकी पढ़ाई के मुताबिक उनको बेकारी भत्ता देने का भी कांग्रेस पार्टी विचार रखती है। विचार रखती है ये पार्टी, स्वच्छता का विचार रखती है ये, जनता के लिए कुछ कार्य करने का। लेकिन अगर मैं अभी आपसे एक सवाल करूं, कुछ लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई थी, मैंने जनता की राय ली थी, जनता का ये एक उम्मीद है सरकार से, जनता ये चाहती है कि कहीं ना कहीं ये पारदर्शिता हो, स्वच्छता हो, जनता की सरकार हो, लेकिन कहीं ना कहीं बात उठी थी जन लोकपाल की। तो जन लोकपाल के बिल में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या जन लोकपाल आपकी सत्ता में आने के बाद, आपकी सरकार आने के बाद, क्या जन लोकपाल के बारे में आप कुछ करेंगे? ऐसा है, हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त का कानून कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था जी। उस कानून को अब ज्यादा थोड़ा सख्त करने की जरूरत है जी। ज्यादा उनको जो है सख्तियां देने की बात है जी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उनको उपलब्ध कराने की बात है जी। ताकि वो अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर सके और अपने तौर पे केस रजिस्टर करने के लिए सरकार को कह सके इसके बारे में। जहां तक लोकायुक्त और जनपाल लोकपाल की बात है, जनलोकपाल की बात है, वो केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। हमारा लोकायुक्त है, प्रदेशों में लोकायुक्त बनाया जाता है, हिमाचल में लोकायुक्त बनाया है, उसको हम ज्यादा तिथि देंगे। प्रदेश के पास जन लोकपाल का बिल्कुल अधिकार है। अगर देखा जाए उत्तराखंड में, हाल ही में उत्तराखंड में भी ये जो बिल था ये पास किया गया था। तो ऐसे में प्रदेश सरकार भी बहुत कुछ कर सकती है, यही जनता की मांग है, ये जनता की बात जो है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। नहीं, जनता जो चाहती है हम वही करेंगे जी। जन लोकपाल बिल भी बनाएंगे, उसमें छुपाने वाली बात कोई नहीं है। हम तो चाहते हैं पारदर्शी प्रशासन देना, हम चाहते हैं जवाबदेह प्रशासन देना, हम चाहते हैं ईमानदार प्रशासन देना और उसके लिए जो भी संभव होगा कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम करेगी और कदम उठाएगी। कांग्रेस पार्टी हर उस कार्य के लिए कदम करेगी, कदम उठाया जाएगा, हर वो कार्य किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो जनता चाहेगी। कहना है ठाकुर कौल सिंह का, यानी कि पूरे दमखम के साथ ये मैदाने जंग में अब उतर चुके हैं, लेकिन अब देखना ये है कि जनता कितना साथ देती है इनका। कहीं बगावती स्वर है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं महंगाई है, कहीं तीसरा मोर्चा है, कहीं बहुत सी कठिनाइयां हैं, लेकिन इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरी उम्मीद है कि जनता इनका साथ देगी। इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक जाते जाते आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव 2012 हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में क्या स्कोर रहेगा कांग्रेस पार्टी का? मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी 2/3 मेजोरिटी से जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी और भाजपा निश्चित तौर पे जो है काफी पीछे रहेगी। इनका कहना है 2/3 मेजोरिटी होगी कांग्रेस पार्टी की। जनता जनार्दन
सब कुछ जानती है, जिसको चाहेगी उसी को सत्ता में लाएगी। इन्होंने अपना पक्ष रखा, अब जनता की बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले चुनाव आपके लिए मंगलकारी हो। और इसी बात के साथ मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को 7C हिमाचल आजकल की इस खास बात में दीजिए इजाजत, और हर चुनावी खबर पर अपनी पहली नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल, क्योंकि हर चुनावी खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार।